उतरना कैसे ये तो बताया नहीं, डर लग रहा है। हेलो एवरीवन, लास्ट ब्लॉग आपने सचपास राइड वाला देख ही लिया होगा, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। आज होटल रूम से नहीं, आज करेंगे तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। तो आज मेरे पीछे अभी आप देख रहे होंगे वो है रावी रिवर जो कि जाती है पाकिस्तान, ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती है और इसका एक नाम इरावती भी है। व्यू देख लो यार, व्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ पे थोड़ी वाटर फ्लो की आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज़ पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पे और बहुत सारे झरने मिल के इस रिवर को बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, फुल मज़ा आ रहा है। ये है हमारा होटल पीछे ये, और इस होटल में हम लोग रुके थे, दो दिन से हम लोग यहीं थे। पहले दिन स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे सचपास गए, सचपास से आए, आज जाएंगे मिनी स्विट्ज़रलैंड। वहाँ से वापस आने के बाद कल यहाँ से जाएंगे डलहौज़ी, फिर डलहौज़ी से निकलेंगे आगे के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे का ब्लॉग जरूर देखिए, मिनी स्विट्ज़रलैंड को हमारे साथ जरूर एक्सप्लोर कीजिए, देखिए घूमिए। चलिए मिलते हैं आपसे रोड पे। हेलो हेलो, और ये रेस्ट कर रहा है, सर्दियों के मौसम में धूप का मज़ा लिया जा रहा है। और ये है अपनी बाइक, बाइक थोड़ी गंदी हो गई है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो सचपास करने के बाद बाइक गंदी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम जाएंगे सर्विस सेंटर, बाइक वॉश करवाएंगे, मे बी चेन क्लीन भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने ऑर्डर किया दूध, क्योंकि कल कुछ खाया नहीं था इसलिए आज दूध पी रहे हैं, और दूध पीने के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो मिलते हैं आगे, चलें भाई। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं शाम को। होटल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सही जगह पे है। और भाई कल की राइड यार, इट वाज ऑसम। आपने तो ब्लॉग में देख ही लिया होगा लास्ट ब्लॉग में, बट ट्रस्ट मी बहुत खूबसूरत था। अगर नहीं देखा तो एक बार जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल भी विज़िट कर लीजिए, चैनल विज़िट करके बहुत सारे आपको हो सकता है आपकी पसंद का कुछ और कंटेंट भी मिल जाए। चेन का और काम हो जाए, वॉशिंग यहाँ पे हो नहीं रही है तो अपनी बाइक बाहर ही खड़ी है, इसको वॉश करवाना है। चेन क्लीन खुद ही कर लेंगे यार, फालतू का यहाँ कराना, हाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये सर्विस सेंटर काफ़ी अंदर है, थोड़े ढूंढने के बाद, बहुत से लोगों को पूछने के बाद मिला, और एकदम नया ही है, मतलब नया इस्टेब्लिश हो रहा है। तो वॉशिंग चल रही है, थोड़ा टाइम और लगेगा, मेरी हो जाएगी फिर कैब भाई की। ऑल सेट, रेडी टू लीव खजियार। चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग डलवा रहे पेट्रोल, अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, फिर अपने अंदर फ्यूल डलवाएंगे, यानी कि कुछ खाएंगे। ये सामने एटीएम है, यहाँ से पैसे निकालेंगे, उसके बाद फुल एंड फाइनल निकल ही लेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और वॉश होने के बाद बाइक बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और कल इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, और अगर आप बाइक राइड करते हैं तो एक अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। कल जब हम लोग सचपास से नीचे उतर रहे थे तो फॉग हो रखा था, तो उसकी वजह से क्या है, मेरे फॉग में एंटी फॉग वाइज़र लगा हुआ है, उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कभी भी आप अगर बाइक राइड करते हैं तो अच्छे गियर होना बहुत ज़रूरी है। कल जब बैरागढ़ से हम लोग देख रहे थे सचपास का डिस्टेंस, तो दिखा रहा था 1 घंटे 30 किलोमीटर था, बट एक्चुअल में कंप्लीट ऑफ रोड था, 3 से 4 घंटे लग गए थे, रिटर्न में भी 3 घंटे लग गए थे। तो पहाड़ों पे गूगल मैप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बेटर रहेगा आप लोकल शॉप और उनसे पूछ सकते हैं, उससे क्या रहेगा कि वो आपको सही लोकेशन सही डायरेक्शन बता देंगे। देखिए
पीछे यहाँ पे लैंड स्लाइड हुई थी, ये देखिए यहाँ पे उसको पूरा क्लीन किया गया है और काम चलता ही रहता। पहाड़ों पे हमेशा लैंड स्लाइड और इस तरह कंस्ट्रक्शन चलते ही रहते हैं, कोई चीज़ हो जाती है तो फिर इसको तुरंत रोड क्लियर करना पड़ता है इन लोगों को। विश यू अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी, थैंक यू। और भाई मज़ा आ रहा है, अब हमें थोड़ा टाइम और लगेगा वहाँ पहुँचने में और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा खजियार। फिलहाल इसको देखिए आप, क्या सही ज़बरदस्त व्यू है, काफ़ी जिगजैग रोड है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, एक्चुअली आ रहे थे यहाँ से और व्यू बहुत अच्छा लगा, ये देखिए ये व्यू बहुत अच्छा लगा तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पे अपनी बाइक लगा दी और थोड़ी देर के लिए रुक गए, थोड़ी देर बातें करेंगे, मस्ती करेंगे क्योंकि पहाड़ों पे आए हैं तो इंजॉयमेंट तो बनता है। और खा पी लिया है, कल भूखे सोए थे मगर आज खा पी लिया है, आज फुल है बैटरी, बैटरी भी फुल है, गाड़ी की भी हमारी भी, दोनों चीज बिल्कुल सही है। गाड़ी धुलवाने के बाद तो अब तो चमक रही है, देखो मजा आ रहा है। और डोमिनार ने पूरा साथ दिया, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है। और यहाँ की व्यू देखो, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, चिल करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। ये जगह जगह कल भी हमें कई जगह पे खड़ी मिली थी, वो इसीलिए होती है कि भाई अगर लैंडस्लाइड या कुछ हो जाता है तो उसको तुरंत के तुरंत सही कर दिया जाए जिससे रोड ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि यहाँ ये रोड पतली ज़रूर है बट ऊपर से पूरा कनेक्शन इन्हीं सब रोडों से होता है। कोई अगर ऊपर सिटी दूसरा है, जैसे हम खजियार जा रहे हैं, तो उसका पूरा कनेक्शन यहाँ से है, इसलिए ज़्यादा देर तक इन रोडों को ये लोग ब्लॉक नहीं कर सकते, इसलिए ये सारा का सारा अरेंजमेंट बीच बीच में रहता है। बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ स्कूल काफ़ी दूर होते हैं, काफ़ी दूर इनको पैदल जाना पड़ता है। और यहाँ पर पहाड़ों पे चढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, होता क्या है कि आप इस साइड रहते हैं और इस साइड ही खाई होती है, तो जब भी कर्व आते हैं, टर्न आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। उसके अपोजिट जब हम रिटर्न आते हैं तो हमें इस साइड रहना पड़ता है। और यहाँ का व्यू देख लो यार, क्या व्यू है देखो, पूरा का पूरा मौसम ज़बरदस्त है, इंजॉय कर रहे हैं। वो देखो नीचे आपको ईगल दिख रही होगी, अपने शिकार की तलाश में घूम रही है। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, ज़रा सी देर चलते हैं, उसके बाद ही मन कर जाता है कोई शॉप दिख जाती है चाय पीने का, क्योंकि मौसम है ठंडा, व्यू बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो यहाँ पे बैठ के अभी इस व्यू को देखेंगे। ये देखो ये व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है, खूबसूरत व्यू है। और हाँ एक चीज़ मैं बताना आपसे भूल गया कि हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया है, हम गलत आगे आ गए, अभी हमें यहाँ से वापस फिर जाना है और फिर एक लेफ़्ट टर्न मिलेगा, हमें उससे ऊपर जाना है, अभी हमें एक रॉन्ग रूट से आ गए बट हमने सोचा यहाँ तक आ गए तो चाय पी के ही आगे बढ़ेंगे। पर वो जो रेड कलर का मार्केट दिख रहा है वहाँ से वो जो ऊपर रास्ता जा रहा है हमें वहाँ जाना है, हम ये रास्ता रॉन्ग आ गए थे, वहाँ चलते हैं। यहाँ से वहाँ है 5 किलोमीटर, वहाँ से खजियार है 7 किलोमीटर, तो पहले चलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। टाइम हो रहा है 2:27, हमें 2:00 पहुँच जाना चाहिए था एटलीस्ट। और यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है जिससे नाइट में जब लोग निकलें तो उनको रिफ्लेक्शन मिले। इवन रोड भी आप देख ही रहे होंगे काफ़ी अच्छी है, धीरे धीरे सब जगह इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है हमारा। तो इस रास्ते से हम लोग आए थे खजियार, 7 किलोमीटर है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग ऊपर चले गए थे रॉन्ग डायरेक्शन में, और ये रोड जाता है खजियार के लिए, चंबा वाइल्ड लाइफ, और ये लिखा है काला टॉप खजियार। रुक के मैंने सोचा आपको दिखा दूं मेन एंट्री। तो अब हम आ चुके हैं खजियार में, मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। आगे कहीं पे बाइक खड़ी करेंगे, अच्छी सी चाय भी पियेंगे और भी थोड़ा घूमेंगे बट ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए खजियार में और बहुत ही खूबसूरत व्यू है,
यहाँ पीछे कुछ खाएंगे पियेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और हमारी बात हो गई एक भैया से, उनके साथ जा रहे हैं। वहाँ के व्यू आपको वहीं पहुँच के दिखाता हूँ, और ये पीछे का व्यू देख लो, बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन असली मज़ा थोड़ी देर बाद आएगा पैराग्लाइडिंग के बाद यहाँ पे। और प्राइस वगैरह मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा खासा निगोशिएशन कर लिया हम लोगों ने। पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ता है। मेरा ये फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस होने वाला है, इससे पहले मैंने कभी नहीं की है। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, यहाँ पे ट्रैकिंग करके आए हैं। लगभग 800 मीटर की ट्रैकिंग थी, खड़ी चढ़ाई थी, सांस चढ़ गई थी। उसके बाद अभी सेटअप रेडी हो रहा है। भाई गिरने वरने का चांस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, आपको जो बताएंगे वो करना है, यहाँ चलते रहना बस, और कुछ नहीं करना आपको। ओ, ओ! बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है, सनलाइट, और इधर से हम आसमान में। कितना ऊपर होंगे हम लोग इधर से? ये भी 5000 फीट में। 5000 फीट? जी। थोड़ा डर लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है रिलैक्स होके बैठे हैं। थैंक यू यार सनी भाई। ओके सर, मजा आ गया ना? एकदम रिलैक्स सर, पांव को ऊपर कर देना, स्टेयर कर देना, ठीक है? आप बता देना उतरना कैसे, ये तो बताया नहीं। ऐसा ऐसा करना पांव पे, बड़ा बहुत डर लग रहा है बट बहुत कंफर्टेबल होके बैठा हो, मज़ा आ रहा है। यहाँ का व्यू देख लो, ऊपर चढ़ाई करते हुए सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा। पैर ऊपर, ओ ओ ऊपर जा रहे हैं। तो अब आपको बताता हूँ प्राइस, जो मैंने ऊपर बोला था कि प्राइस चल के बताऊँगा पैराग्लाइडिंग के बाद। प्राइस है 1000 रुपीज़। चलो थैंक यू, मज़ा आया। फर्स्ट टाइम के हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ये देखिए सनलाइट, और यहाँ का पीछे का व्यू, ये थी ऊपर भोलेनाथ की मूर्ति। अब जा रहे हैं हम मेन व्यू पॉइंट पे, जिस व्यू पॉइंट को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। और उसको क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा यह जाता है कि जो ये वैली है, ये जो एरिया है, ये लोकेशन है, उसका कुछ लुक स्विट्ज़रलैंड की तरह है बट छोटे स्केल पे है, तो इसलिए इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो आप चलते हैं उस व्यू पॉइंट पे, वहाँ पर चलते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, धूप में चिल करते हैं। तो फाइनली अब हम लोग हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया खजियार। और ये मेरे पास देख रहे हो एक बढ़िया सा दोस्त है, वाइट पिजन। और चारों तरफ ये देवदार के ट्रीज हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ पर हमने भेलपुड़ी ऑर्डर की हुई है, तो पहले भेलपुड़ी खाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, चिल करेंगे, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू राइड करके थोड़ा तो थक गए थे, इसलिए मैंने आज का दिन चूज़ किया था रेस्ट करने के लिए, चिल करने के लिए, मिनी स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए। और भाई आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। भेलपुड़ी वगैरह खा ली, घूम लिया पूरा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आया घूमने में। तो यहाँ पे एक लोग बता रहे थे कि जब स्नोफॉल होता है तो 8-8 फीट तक यहाँ पूरा बर्फ़ जम जाती है और बहुत अच्छा व्यू लगता है। लेकिन उस समय ये बंद रहता है। ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पर एंट्री गेट पर। और अब थैंक यू, निकलते हैं यहाँ से।